हाय गाइस, सुमन टेक्निकल जी। तो मैं आज बताऊं जियो और एयरटेल के ऑफर के बारे में। तो दोनों ने जैसे सेम प्राइस पर इनडायरेक्टली सेम ही ऑफर दिया है, तो आपको मैं बोलना चाहता हूं कौन सा रिचार्ज करना चाहेंगे, मतलब कौन सा अच्छा रिचार्ज होगा। तो ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको ये जानना है। तो सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जी चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। तो मैं आपके कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं, तो कौन सा सिंपल रिचार्ज करना ठीक हो, एयरटेल या जियो। तो मैं बोलना चाहता हूं जियो से स्टार्ट करता हूं। तो जियो में क्या था, 399 पर दे रहे हैं 1 GB अनलिमिटेड, मतलब 1 GB खत्म होने के बाद 128 KBPS उसके बाद स्पीड देगा। और जो यह इसका जियो में दे रहे हैं, मतलब 100 SMS पर डे मिलेगा, और जो कॉलिंग पर कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कॉल है। अभी आते हैं एयरटेल पर। एयरटेल पर 399 पर 84 डेज के लिए अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, डाटा पर डे 1 GB करके मिलेगा, मतलब 84 GB। और इसका जो कॉलिंग है, कॉलिंग अनलिमिटेड है, लोकल एंड एसटी अनलिमिटेड है, बट कितना अनलिमिटेड है चेक करने के बाद ही मिलेगा। बट अभी तक मैंने इसका टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं देखा जैसे इसका लिमिट है। और इसका जो है मैसेज नहीं मिलेगा, मतलब मैसेज के लिए ऐसा कुछ फ्री नहीं है पर डे 100 मैसेज, ऐसा कुछ नहीं है इसके लिए। तो मैं बोलना चाहूँ कौन सा रिचार्ज करना अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से आपका एरिया पर जियो का कवरेज अच्छा है, मतलब नेटवर्क अच्छा है, तो जियो रिचार्ज कर लीजिए जल्द से जल्द। इफ़ आपका वहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है तो एयरटेल भर लीजिए। बिकॉज मैंने जहाँ पर भी मैं देखा, जो जियो का नेटवर्क है ना, अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ जैसे एयरटेल का है। एयरटेल का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑल ओवर इंडिया पर बहुत स्ट्रॉन्ग है एयरटेल का नेटवर्क। मैंने बहुत ऐसा जगह पर गया था जहाँ पर जियो एकदम नीचे, एक भी टावर नहीं था, डूब गया था, नेट ही नहीं चलता, वहाँ पर एयरटेल का फुल टावर था। हाँ, एयरटेल का इस पर मतलब मैं 100% उसको सपोर्ट करता हूँ, उसका नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट जैसे मतलब जियो का भी अच्छा कवरेज हो तो एयरटेल को भी हरा देता है, मतलब नेट पर, बिकॉज उसका नेट अच्छा है और उसका जो वोल्टेज, जो एयरटेल का भी तो आप वोल्टेज आ गया दोनों में, वोल्टेज करके कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों सेम ही हो गया है वोल्टेज दोनों में ही। तो यही बोलना चाहता हूँ भाई, एयरटेल भी अच्छा है, जियो भी अच्छा है, बट जियो पर 128 KBPS है 1 GB खत्म होने के बाद, ये इसका प्लस पॉइंट है। और इसका जो 100 मैसेज पर डे मिलेगा ये भी इसका प्लस पॉइंट है। और स्पीड जो है जियो का अच्छा स्पीड मिलेगा तो भी ये भी जियो का प्लस पॉइंट है। बट मैं और एक बात बोलता हूँ, जो आपका मैंने तो बोल ही दिया आपका नेटवर्क वहाँ पर जियो का नेटवर्क अच्छा नहीं है, तो जाइए एयरटेल के पास, बिकॉज एयरटेल का ये सबसे लाइफ में जो एयरटेल ने दिया है सबसे बेस्ट ऑफर ये है 84 डेज के लिए। कभी इतना अच्छा ऑफर नहीं था, पहले दिया था 399 पर 70 डेज के लिए, 56 डेज के लिए। बट ये ऑफर मुझे आज नहीं, कल मैसेज करके आया था, तो वीडियो कल नहीं बना नहीं पाया, तो आज मैं बना दिया। तो आज भी सेम ऑफर आया था, मैंने *121# पर डायल करके भी मैंने चेक किया, तो सेम ऑफर यही आ रहा था 84 डेज के लिए पर डे 1 GB करके, अनलिमिटेड कॉल, लोकल एलएनसीटी, ये सभी। तो मैं जैसे बोला आप तो समझ ही चुके होंगे कौन सा रिचार्ज करना अच्छा होगा। मेरे ख्याल से मैं तो जियो ही रिचार्ज करूँगा, बिकॉज जियो पर मुझे अच्छा लगता है, स्पीड भी अच्छा मिलेगा, 4G का फुल स्पीड मिलेगा, और एयरटेल का भी 4G का स्पीड मिलेगा, बट जियो से ऊपर है स्पीड पर। और जो मतलब मेरे ख्याल से जियो और एयरटेल जिसको अच्छा लगता है एयरटेल पर जाओ। मैं भी एयरटेल को अच्छा लगता है मेरा भी, बट उसका और भी ऑफर अच्छा निकालता है, ठीक है। और एक बात बोल देता हूँ, जियो ने जब मतलब अनाउंसमेंट करता है कोई भी मतलब रिचार्ज के बारे में, कोई भी ऑफर के बारे में, वो बोलता है जो कोई भी दूसरा नेटवर्क, मतलब दूसरा कंपनी उससे भी ज़्यादा फीचर्स मतलब ऑफर पर देता है, उससे भी ज़्यादा या उसके बराबर देता है, तो जियो उससे भी अच्छा ऑफर निकालेगा। तो इसने जियो जो बोलता है वो तो कर ही देता है। तो समझ लीजिए एयरटेल ने ऑफर निकाला 399 पर, सेम इनडायरेक्टली सेम ही ऑफर है, तो जियो भी कुछ दिन के अंदर ऐसा ऑफर निकालने वाला है जो एयरटेल, जो एयरटेल का जो 399 का ऑफर है उसको भी खिला देगा। तो गाइस, यही था इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही टेक्निकल वीडियो आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए जियो यूज़र एंड एयरटेल यूज़र को जिसका इस कन्फ्यूजन है जो कौन सा प्लान रिचार्ज करे, तो शेयर कर दीजिए। बाय फ्रेंड, टेक केयर।